गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा चैप्टर 8 है, मेजरमेंट। लास्ट क्लास में जो भी हमने किया था, वीडियो जो भेजी थी, आई होप आपको समझ में आया होगा। वो सारा आपने होमवर्क में कर लिया होगा। तो आज हमारा है मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या मतलब होता है? मापना, किसी भी चीज़ के माप रखना कि वो कितना लंबा है, कितनी दूरी है, उसको किस चीज़ में नापते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, यहाँ पे दिया हुआ वर्ड और मीनिंग। किलो, किलो में एक में कितना होता है? 1000। हेक्टो में 100 होता है। डेका में 10 होता है। स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है वन, और डेसी में 1/10, सेंटी में 1/100, और मिली में 1/1000। तो ये आपको टेबल बना लेनी है ऐसे ही। आगे करते हैं मेजरिंग लेंथ। मीटर, मीटर जो है हम वो किस में नापते हैं? इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ। लंबाई के लिए हम किस में नापते हैं? मीटर में। किसी भी चीज़ की लंबाई को हम किस में नापेंगे? मीटर में। किलोमीटर, हेक्टोमीटर एंड डेकोमीटर आर यूनिट्स ऑफ लेंथ हायर देन मीटर। मीटर के मुकाबले में ये सारे जो हैं ज़्यादा लंबे। तो ये भी आपको कॉपी में इस तरीके से लिखना है। ये किस लिए नापते हैं? ये लेंथ जो है वो किस लिए है? लंबाई के लिए, मेजरिंग लेंथ। तो 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1000 मीटर। 1 हेक्टोमीटर में होता है 100 मीटर्स, और 1 डेकामीटर में होता है 10 मीटर्स। तो ये भी टेबल आपको बनानी है। आगे चलते हैं। आगे है हमारा डेसीमीटर, सेंटीमीटर। डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर आर द यूनिट्स ऑफ लेंथ लोअर देन मीटर्स, जो मीटर से कम होती है। जो यहाँ पे हमने लिखा है, जो वर्ड्स है, मैं इसी की डेफिनेशन यहाँ पर आपको बता रही हूँ। इसको भी आपको यूनिट्स में याद कर लेना है। तो ये भी टेबल आपको बनानी है। 1 मीटर जो है वो 10 डेसीमीटर के बराबर होता है, इसकी शॉर्ट फॉर्म में DM। 1 डेसीमीटर होता है 10 सेंटीमीटर के CM। 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 मिलीमीटर के बराबर होती है। तो आपका ये था लेंथ का, मेजरिंग था, मेजरिंग लेंथ का। अब कैन है, अब है वी कैन समरीन दीज यूनिट, यानी कि गहराई के लिए हम कौन कौन सी यूनिट्स का यूज़ करते हैं। किलोमीटर, 1000 मीटर होता है इसमें HM। हेक्टोमीटर जो मैंने बताया था पीछे, उसमें 100 मीटर होते हैं। डैम में होता है 10 मीटर, मीटर में 1 मीटर, डैम 1/10, सेंटीमीटर 1/100, और मिलीमीटर में 1/1000 मीटर। तो इसके यूनिट्स आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये आपको कॉपी में इस तरीके से पूरा आपको लिखना है, इट इज़ ओके। टेबल बनानी है और इसके नीचे ये यूनिट्स आपको लिखने हैं। तो आज का हम अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको यूनिट्स मेजरमेंट आपको समझ में आ गया होगा। मेजरमेंट है नाप को रखना, कि किस हर चीज़ का अपना अपना नाप होता है। प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा कि हम लिक्विड चीज़ों को लीटर मिलीलीटर में पढ़ते करते हैं, और डिस्टेंस नापना हो तो किलोमीटर में और मीटर में नापते हैं। और जब हम कुछ सामान लाते हैं वो किस में होता है? किलोग्राम और ग्राम में होता है। तो अब क्या करना है? इसको कन्वर्ट द यूनिट्स एज डायरेक्ट फ्रॉम हायर टू स्मॉलर यूनिट्स, हायर से स्मॉल में जाना है। तो यहाँ पे क्या है? 31 मीटर, तो इसको हमें किस में चेंज करना है? सेंटीमीटर। तो छोटे से हम बड़े से छोटे में जा रहे हैं। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। 31 मीटर - सेंटीमीटर, तो 1 मीटर कितने के बराबर होता है? 1000 के। तो 31 × 100, तो आपका यहाँ पे क्या आएगा? 3100 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। बी इसका है 22 सेंटीमीटर, ओके। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, हाँ। तो 1 सेंटीमीटर जो है वो हमारा 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो आपको क्या करना है? 22 × 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर ये आएगा, मीटर आंसर। तो इसको आपको इस तरीके से फिल करना है, 220, ओके। थर्ड, और एक और मैं बता देती हूँ। सी 18 सेंटीमीटर है, किस में चेंज करना है? आपने यूनिट्स पीछे मैंने लिखवा दिए हैं, तो आपको यूनिट्स लर्न कर लेने हैं। तो 1 मीटर कितने के बराबर होता है? 1 सेंटीमीटर जो है कितने के बराबर होता है? 10 mm के। तो आपको क्या करना है? 18 × 10 इक्वल्स टू 180 मीटर। तो इसमें आपका क्या आएगा? इसमें आपको सबके साथ मल्टीप्लाई करना है, आपको मेन यूनिट्स याद रखनी है। तो आपको इसमें डी जी एफ एच जे ये करना है, सारे ही करने हैं इसमें आपको, ओके, एफ तक सारा ही करना है इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने सॉल्व करके आपको बताया है। नेक्स्ट है क्या है? कन्वर्ट टू द यूनिट्स एज डायरेक्ट फ्रॉम
स्मॉलर टू हायर यूनिट्स, इसमें क्या है छोटे से हम किस में जा रहे हैं, बड़े में। तो जैसा कि मैंने जब भी बताया कि जब हम छोटे से बड़े में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। ऊपर क्या था, हम बड़े से छोटे में जा रहे थे, अब ये क्या है छोटे से हम बड़े में जा रहे हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। आंसर टू किस तरीके से डिवाइड करेंगे, तो इसमें आपको क्या करना है, 10 mm बराबर 1 cm। ओके, तो आपका क्या है नीचे यहाँ पे 1000 mm है, 1000 डिवाइड बाय 10, तो आप इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 1000 डिवाइड बाय 10, 10 वन ज़ा 10, 0 यहाँ भी 0 लगेगा, ये 0 ये 0, तो इसलिए आपका 100 आपका आंसर आएगा इसका, 100 cm। तो इसमें आपको क्या लिखना है, 100 cm। तो ये भी ऐसा ही है, 2000 cm है, इसको मीटर में चेंज करना है, तो 1 cm 10, तो आप 2000 को करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा इसमें, तो इसका आंसर आपका 20 mm आएगा। इसी तरीके से आपको सारे ही डिवाइड के सम सॉल्व करने हैं। इसमें सी डी ई एफ और लास्ट की ये एच और जे करना है, सारे नहीं करने, इसमें इतने क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। कन्वर्ट दी फॉलोइंग एज डायरेक्ट, इसको भी हमें कन्वर्ट करना है, तो सेंटीमीटर में से मीटर में जाना है, छोटा है ये सेंटीमीटर, मीटर में जाना है, तो इसको भी हम क्या करेंगे सॉल्व, किस तरीके से करेंगे, यहाँ देखते हैं क्वेश्चन थर्ड, 400 cm है, तो इसको हमें किस में करना है, 1 cm अपॉन 1 m 100 cm, तो आपको क्या करना है, 4 डिवाइड बाय 100, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, 4 m, तो क्या आएगा आपका 4 m। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब ये क्या है, 3000 m और 1 km, तो 1 m कितने के बराबर होता है, 1000 के, बी 1 m इक्वल्स टू 1000 km, तो आपको क्या करना है, कितना है इधर 3000, तो आपको क्या करना है, 3000 डिवाइड बाय 1000, तो आपका क्या आएगा, 3 km। आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 3 आएगा। तो इसमें जो आपको होमवर्क में करना है वो है सी ई। थर्ड क्वेश्चन में जिन जिन पे मैंने टिक किया है सिर्फ वही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, 2 मैंने किए हैं वो भी करना है, और बाकी जिस पे टिक किया है वो आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है, इसी तरीके से सॉल्व करना है जैसे मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। ओके, नंबर डालना है ए बी सी और सामने आपको फिलअप करना है। अभी आगे है आपका कंपेयर द यूनिट्स लेंथ बाय यूजिंग ग्रेटर देन एंड लेस देन और इक्वल्स टू, तो इसमें क्या है 8 km और ये क्या है 8 km 100 m, तो आपका कौन सा बड़ा हुआ इसमें, तो ये आपका ये बड़ा हुआ। इस तरीके से आपको कंपेयर करके करना है। सेकंड है 3 km 5 m और 3 km, तो दोनों में से क्या है 5 m इसमें ज़्यादा है इसलिए ये बड़ा है। हाँ, इसमें आपको दोनों को कंपेरिजन में करना है, ग्रेटर देन और लेस देन ये मैंने कर दिए हैं, आपको एज इट इज़ उतार लेना है। ओके, आपको पहले यूनिट्स लर्न करने हैं तभी आपको ये समझ में आएगा, जो भी मैंने टेबल्स बताए आपको वो लर्न कर लेना है। ये किस लिए नापते हैं, हम लंबाई के लिए करते हैं जैसा मैंने पीछे डेफिनेशन में बताया, तो ये 4 और 5 भी आपको होमवर्क में करना है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने बता दिया आपको कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, थर्ड और फोर्थ जो है वो 4 और 5 जो है वो आपको पूरा करना है। आई होप जितना भी मैंने मेजरमेंट में आपको समझाया है, मेजरमेंट जो है वो मापने के लिए करते हैं और माप सबका अलग अलग होता है, तो आज हमने लेंथ के बारे में पढ़ा था कि लेंथ हम किस तरीके से नापते हैं और किस चीज़ में नापते हैं, उसके यूनिट्स को लर्न किया है और क्वेश्चन सॉल्व किया, बाकी काम अगली नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप जितना भी मैंने समझाया आपको समझ में आया होगा। ओके, बाय, थैंक यू, टेक केयर।